हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेबलिन लिपस्टिक्स, जो कि काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं। इनके शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी रेंज में आपको इनके शेड्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 5 लिपस्टिक्स बाय की हैं, जो कि मेबलिन की लिपस्टिक्स हैं। काफ़ी अच्छे शेड्स हैं और इनका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, इनका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, जो कि इजीली आपके लिप्स पे ग्लाइड होता है। जो कि इनके स्वाचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये किस टाइप की लिपस्टिक्स हैं और कितनी देर तक ये आपके लिप्स पे रहती हैं और किस तरीके की लिपस्टिक्स हैं। मेरी फर्स्ट लिपस्टिक है जिसका शेड है 680। इसमें मैं आपको सभी लिपस्टिक के शेड भी बताऊंगी और साथ ही साथ आपको साइड में इसका शेड नंबर और शेड नेम भी आपको मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये ऐसी लिपस्टिक है जो कि जिनका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, इसका काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है, क्रीमी मैट लिपस्टिक है। ये इजीली आपके लिप्स पे ग्लाइड होती है। तो मैं समझती हूँ हमें ऐसी लिपस्टिक चाहिए होती हैं जो कि लाइट वेट हो और हमारे लिप्स पे इजीली ग्लाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये इसका शेड है, जो कि आप किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हैं। और ये ऐसा शेड है जो कि मैं समझती हूँ कि जो पिंक टोन के जो शेड होते हैं वो समर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी कूल लगते हैं और हर आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं। और अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और ऐसी लिपस्टिक्स जो चाहिए होती हैं हमें डेली बेसिस पे, और काफ़ी लाइट वेट है। और मेरा नेक्स्ट शेड है 695, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है, जो कि मैं समझती हूँ ये एक मैरून शेड आता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका नाम है डिवाइन वाइन। और ये ऐसा शेड है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने कोई डार्क कलर की लिपस्टिक्स बाय करनी है तो आप ये वाली लिपस्टिक ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि ये ऐसा शेड है जो कि इंडियन आउटफिट को अच्छे से मैच करती है और हमारे लिप्स पे काफ़ी अच्छी लगती है। स्पेशली इंडियन स्किन टोन में अगर ये लिपस्टिक लगाई जाए तो आपके सभी आउटफिट के साथ मैच करेगी। आप फेस्टिव सीजन में भी इसे वेयर कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अच्छा इन्हेंस करता है। और साथ ही साथ विंटर्स में जो इस टाइप के जो शेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। कोई भी आउटफिट आप पहन लीजिए या कोई भी आप कॉम्प्लेक्शन के हों तो ये काफ़ी अच्छा शेड है। और मेरा नेक्स्ट शेड है 673, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है। ये शेड आपको मिलता है जो कि आपको ब्राउन अंडरटोन में मिल जाएगा। शेड है जिनको मैं समझती हूँ जिनकी ब्राउन अंडरटोन की लिपस्टिक चाहिए होती है तो वो इस लिपस्टिक को बाय कर सकते हैं, जो कि मैं समझती हूँ ब्राउन लिपस्टिक ऐसी लिपस्टिक है जो कि आप समर्स में हो या विंटर्स में हो, सभी सीजन में इसको वियर कर सकते हैं। कैरी करने के बेसिस पे कहूँ तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक हैं जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इनमें काफ़ी लॉक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जो कि मैं समझती हूँ इसका जो कवर है वो जल्दी रिमूव नहीं होगा। और मैं समझती हूँ इस टाइप की जो लिपस्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि ये क्रीमी मैट लिपस्टिक हैं जो कि थोड़ी सी ट्रांसफ़र होती हैं, तो मैं समझती हूँ क्रीमी मैट कोई भी आप लिपस्टिक बाय करेंगे तो वो थोड़ी सी ट्रांसफ़र होगी, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर उसमें क्रीमी कंसिस्टेंसी है तो वो थोड़ी सी ट्रांसफ़र होगी, अगर उसमें मैट कंसिस्टेंसी होगी तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शाइन भी आती है। तो अगर मैं कहूँ कि इनका जो फॉर्मूला है ये नॉन ड्राइंग है, क्योंकि ये ऐसी लिपस्टिक हैं जो कि ड्राई नहीं होती हैं और इजीली आपके लिप्स को काफ़ी देर तक इसका स्टे भी रहता है। अगर आप कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं तब भी इनका टिंट थोड़ा सा आपके लिप्स पे बना रहेगा, क्योंकि ये क्रीमी लिपस्टिक्स हैं, थोड़ी सी ट्रांसफ़र ज़रूर होंगी ये लिपस्टिक्स। तो आप जब भी इसे अप्लाई करें, थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर आप कुछ खाएं या पिए तो थोड़ा सा रीअप्लाई आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें शेड्स की बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है आपको। तो मेरा नेक्स्ट शेड है 507, जो कि काफ़ी अच्छा पिंक अंडरटोन का शेड आता है। और ये ऐसा शेड है जो कि मैं समझती हूँ कि ये कुछ पिंकिश अंडरटोन में फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों को काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी इजी टू अप्लाई। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा पिंकिश अंडरटोन में ये आता है, ब्राउन अंडरटोन भी आती है इसमें थोड़ी सी, लेकिन ये ऐसा शेड है जो कि आपके लिप्स को काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके लिप्स पे जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे आपके लिप्स को भी काफ़ी अच्छा इन्हेंस करेगा और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी। तो इस टाइप के जो शेड हैं आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये शेड ऐसा शेड है जो कि अगर आपने डार्क मेकअप किया है या स्मोकी आई किया है तो उसके लिए आपको जैसे न्यूड कलर का चाहिए होता है शेड, तो आप उस तरीके के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं समझती हूँ कि मेबलिन लिपस्टिक ऐसी लिपस्टिक है जो कि काफ़ी अच्छी रेंज के साथ साथ अफोर्डेबल कैटेगरी भी लाती है, जो कि हमारी पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ते। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी शेड रेंज है, तो आप इस टाइप की लिपस्टिक में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके लिप्स पे इजीली ग्लाइड हों, कम्फर्टेबल हों, अफोर्डेबल हों और हमारी लिप्स को काफ़ी लाइट वेट लगे। क्योंकि आजकल जैसे कि समर्स हैं, समर्स में हमें इस टाइप की लिपस्टिक चाहिए होती है जो कि लाइट वेट हों, क्योंकि हमें कुछ भी चिपचिपी लिपस्टिक ऐसी नहीं चाहिए होती है। जो अगर आपने क्रीमी लिपस्टिक बाय करनी है तो आप मेबलिन में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगा जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे। मेरा लास्ट शेड है 676, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, ये भी थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन में आता है, लेकिन ये ऐसा शेड है जो कि आपके किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो जाएगा और काफ़ी अच्छा शेड है। तो मेरा ये शेड है जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोल्डनिश टोन में जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, आप किसी भी फेस्टिव सीजन में इसे वेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप के कलर्स लिए हैं जो कि समर्स के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं और हमारी लुक को भी काफ़ी अच्छा इन्हांस करते हैं। और इस टाइप के जो शेड्स होते हैं वो हमारे लुक के साथ साथ हमारे किसी भी आउटफिट के साथ भी मैच हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी अंडरटोन है या कोई भी कॉम्प्लेक्शन है, आप इस टाइप के शेड्स अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन टोन के साथ भी अच्छे लगेंगे और आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो अगर आप किसी क्रीमी मैट लिपस्टिक में या अफोर्डेबल कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि समर्स में हमें इस टाइप की लिपस्टिक चाहिए होती हैं जो कि लाइट वेट हों और ईजिली ग्लाइड हो जाएँ। तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, इस उम्मीद से कि आपको इस रिव्यू से भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन। Bye.